प्रश्न है कि अपनी मजबूरी कौम कभी स्वीकारना क्यों नहीं चाहते, अपना छोटा होना बर्दाश्त क्यों नहीं होता। पहले तो कहते हो कि मजबूरी है, फिर कहते हो कि उसे स्वीकारना क्यों नहीं चाहते। पहले तो कहते हो कि छोटे हो, फिर कहते हो कि छोटा होना बर्दाश्त क्यों नहीं होता। बर्दाश्त ना कर रहे होते तो छोटा होने का भाव कहाँ से आता। मजबूरी को पाला नहीं होता, स्वीकारा नहीं होता तो मजबूरी है ऐसा कैसे कह पाते। मजबूरी ना अनिवार्य है, न स्वभाव है, क्षुद्रता या संगीर्णता ना अनिवार्य है न स्वभाव है, ये तो तुम्हारे बुलाए आती हैं, तुम्हारी इच्छा के रहते रहती हैं। अब तुम कहो कि तुम मजबूरी वश मजबूर हो तो ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, ये धोखाधड़ी है। तुम कहो कि तुम परिस्थितिवश दुर्घटनावश असहाय हो, छोटे हो, तो इसमें न तुम्हारी ग्लानी है न विवशता। इसमें सीधे सीधे धूर्तता है बस। क्यों झूठ बोलते हो? जो है नहीं उसको लादे फिरते हो, फिर कहते हो कि बड़ा बोझ है, बड़ी यातना है, जिसको लिए फिरने का ना कोई औचित्य है, न कर्तव्य, न धर्म। उसको अंगीकार करे हो, उसको लपेटे लपेटे समेटे समेटे फिरते हो, किसने ये व्यवस्था दी है तुम्हें? किसी ने भी नहीं। तुम्हारी अपनी श्रद्धाहीनता है। कह सकते हो कि डरते हो तो डर और कहां से आता है? बीच का बना रहना चाहते हो, न इस छोर को हाँ बोलते हो न उस छोर को हाँ बोलते हो। ये छोर सत्य का है, वो छोर माया का। उस छोर को तुम कभी पूरी तरह हाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि हाँ बोल भी दोगे तो हाँ झूठी होगी, निभा नहीं पाओगे हाँ को। कौन है जो अपने स्वभाव के विपरीत हाँ बोल करके उस हाँ पर कायम रह पाए? कह भी दोगे कि मूर्ख हो तो मूर्खता ओढ़ थोड़े ही सकते हो। कह भी दोगे कि असंवेदनशील हो तो भी हृदय के स्पंदन को शांत थोड़े ही कर सकते हो। कह भी दोगे कि प्रेम से कोई वास्ता नहीं तो भी प्रेम तरंगायित हो तो कर क्या लोगे? मृत्यु को हाँ बोलकर भी जीवन से पिंड कैसे छुड़ा लोगे? जीवित तो हो, 100 बार मृत्यु को हाँ बोलो, जीवन की कोपलें तो फूट रही हैं, तो उस पार को हाँ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा नहीं कि उधर हाँ तुमने बोला नहीं है, तुमने तो 100 बार उधर हाँ बोला है, जितनी बार हाँ बोला है
उतनी बार पाया है कि तुम्हारी हाँ की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारा बस चलता तो तुमने कब का उधर से समझौता कर लिया होता, तुम्हारा बस चलता तो तुमने सत्य को कब की पीठ दिखा दी होती, तुम्हारा बस चलता तो तुम कब के अंधेरे में समा गए होते। तुमने अपनी ओर से तो कोई कसर छोड़ी नहीं, रोज उधर ही जा करके हाँ बोलते हो, अपने आप को बेच आते हो, लेकिन फिर भी कुछ है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें उधर का होने नहीं देता। उधर का तुम हो नहीं सकते, इधर का होने में तुम्हें डर लगता है, बीच में लटके हुए हो, एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ। फिर कहता हूँ, उधर का हो नहीं सकते, वो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं। कितना भी चाह लो उधर वफा निभा नहीं पाओगे। जिससे तुम्हें प्रेम नहीं उसके घर कितने दिन रह पाओगे, उधर का हो नहीं सकते। और इधर आने में तुम्हारा मन कांपता है तो हालत क्या होगी तुम्हारी। एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ। फटा मन फटा जीवन, फटा तन फटी पतलून। किधर के तो हो जाओ। मैं तुम्हें पहला हक उधर का होने का देता हूं, जाओ जितनी जान लगा सकते हो लगाओ, पहले वहीं के हो लो, आजाद किया, जाओ जाओ। वो तुम्हारा देश है तो वहीं बसो, जाओ। कितनी बार तो तुमको छोड़ा है, सत्य किसी को पकड़ता है वो तो परम मुक्ति है, वो तो छोड़े ही रहता है, कहता है जाओ जहां जाना है जाओ। अब तुम जा भी नहीं पाते, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। छोड़ तो दिया है, पूर्ण स्वतंत्रता है, जाते क्यों नहीं? क्यों नहीं मुक्ति को भुला देते? पूरी तरह से बंधनासक्त हो जाओ। हो जाओ पूर्णतया जड़। क्यों नहीं अचेतन हो जाते? क्यों? जाओ कर लो पूरी कोशिश भागने की, उधर निभाने की, वहीं का हो जाने की, कर लो पूरी कोशिश। तुम वो भी तो नहीं करते ना, तुम अपने आप को ये बहाना शेष रखना चाहते हो कि अभी हमने उधर बसने की पूरी कोशिश नहीं की, अभी हमने वो देश पूरा देखा नहीं, क्या पता उस देश में हमें कोई ठिकाना मिल ही जाए। इसीलिए मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ, मैं कहता हूँ जाओ उस देश में जितने ठिकाने खोजने हो खोज लो, और जब आश्वस्त हो जाना है कि वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तब यहाँ पूरी तरह आ पाओगे। तुम अपने आप को वो आश्वस्ति भी होने कहाँ देते हो? तुम उधर पूरा जाते नहीं हो। तुम्हें अच्छे से पता है उधर पूरा गए तो उधर से निराश होना पड़ेगा, उधर पूरा गए तो वहां के तथ्य सामने आ जाएंगे, उधर पूरा गए तो वहां के भ्रम, वहां का रूखापन, वहां की हैवानियत प्रकट हो जाएगी। तो पूरा जाते भी नहीं, चले ही जाओ। कर दो घोषित मजबूर हूं, कर दो घोषित
ये छोटा क्या, क्षुद्रति क्षुद्र हूं। हूं ही नहीं, अनस्तित्व है, हस्ती ही नहीं मेरी। चले जाओ, इतने ही क्यों बोलते हो, छोटे हो, कह दो हूं ही नहीं, जाओ। वो भी कर नहीं पाओगे, अच्छा बहाना बना रखा है, बढ़िया व्यापार चलाते हो, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, पर झूठ बोल रहे हो। उधर के तुम हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि इधर के नहीं होएंगे। उधर है ही क्या, भ्रम का क्या अर्थ, जो ना हो उसे भ्रम कहते हैं। तो वो जो दूसरा है जिसे तुम विकल्प की तरह प्रयोग कर रहे हो, वैसा कोई विकल्प है ही नहीं, वो तो भ्रम है, जो भ्रम है वो तो है ही नहीं। तो तुम किसका आसरा लिए बैठे हो, किस देश में बसने के ख्वाब ले रहे हो, उस देश में जो है ही नहीं, जो मिथ्या है, जो प्रपंच है, जो स्वप्न मात्र है। मिथ्या ना होता तो फिर दोहराता हूं, तुमने उसे कब का हां बोल दिया होता, तुम कब के वहां के वासी हो गए होते। झूठ को हां बोलने की तो बड़ी उत्कट अभिलाषा है तुम्हारी, बोल पाते नहीं हो क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, तो किसको बोलोगे। तो ले दे करके एक ही बात बचती है कि सत्य को हां नहीं बोलनी है, किसी भी तरीके से सच्चाई से दूर भागना है, कोई बहाना बनाना है कि क्यों प्रस्तुत नहीं है, कोई बहाना बनाना है कि क्यों अवसर चूकते जाते हैं, कुछ तो झूठ बोलना है अपने आप से, कुछ तो धोखाधड़ी करनी है। बेवफाई के लिए भी कुछ मकसद तो चाहिए, नहीं तो जायज कैसे ठहराएंगे। एक ही कारण है तुम्हारे पास, वो कारण है डर। इधर जो नहीं आ पाते हो, एक ही कारण है उसका, डर। और वहां तुम वास्तव में झूठ नहीं बोल रहे, सही बात तो यह है कि डर तुम्हें लगता है, और बहुत लगता है, इतना डर लगता है तुम्हें कि तुम्हारी रूह कांप जाती है, टांग कांपना तो छोटी बात है, रूह कांप जाती है, इतना डरते हो, भयाक्रांत हो, भयभीत नहीं हो, भय दमित हो। और डरते ही रहोगे, कहते हो निकट इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि डर लगता है, डर लगता है इसीलिए क्योंकि निकट नहीं हो। अब कौन समझाए तुम्हें, ये बात तर्क से आगे की। कहते हो दूर दूर इसलिए बैठे हो क्योंकि निकट आने में डर लगता है, जितना दूर रहोगे निकट आने में उतना डर लगेगा, समझाएं कैसे। सवाल बना लो, पहेलियां बुझा लो, गुत्थियां बढ़ा लो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। तुम जो हो, तुम्हारा तो एक ही जीवन है, और प्रतिक्षण एक क्षण कम हो रहा है। ये सब चतुराई लेके कहाँ जाओगे, ये सारी सावधानियां लेके कहाँ जाओगे।
धूल ने बहुतों को अपने में मिला लिया, अच्छे अच्छे राख हो गए, नदियों ने बहुतों को सागर तक पहुंचाया है, तुम्हारा कोई अलग अंजाम होना है। शरीर की कम से कम इतनी हस्ती तो है कि मरने के बाद जलता है, खाक होता है, तुम्हारी चतुराई का तो उतना भी वजूद नहीं। तुम मरो तो उसको जलाना भी नहीं पड़ता, थी ही नहीं, भ्रम थी। तुम्हारे पांव के अंगूठे तक को जलाना पड़ता है, इतनी हस्ती तो है उसकी, तुम्हारी चतुराई का तो 1 ग्राम वजन भी नहीं है। तुम गए वो गई, तुम्हारी सावधानियों का, तुम्हारे सारे गणित का मोल क्या है, पर तुम्हारी नजर में वही सब कुछ है, लिए बैठे रहो। किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी का हित नहीं हो रहा, अपनी होशियारी में तुम ही बेवकूफ बन रहे हो। बने जाओ, जीवन तुम्हें मिला नहीं, मृत्यु तुम्हें याद नहीं रहती, हो कहाँ के? जीना तुम जानते नहीं, मौत को भुलाए रहते हो, तुम्हें याद क्या है? जीते हो नहीं और ये दिखाई नहीं देता कि मौत सामने खड़ी है, तुम्हें दिखता क्या है? न जीते हो न मरते हो, अधर में लटकते हो, वही एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ, फटा तन फटा मन फटा जीवन, और फटी पतलून। फिर कह रहा हूं, जब तुम्हें आज तक भरोसा ना आया तो आज मेरी बात सुन के नहीं आ जाएगा, तुम उधर ही चले जाओ। जाते क्यों नहीं? तुम जाओगे नहीं, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है उधर कुछ है ही नहीं जाने के लिए। गए तो फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि उधर तो हताशा है, गए तो फिर स्वीकार करना पड़ेगा कि उधर का कोई विकल्प ही नहीं है, गए तो फिर तुम्हारी धौंस जाती रहेगी। अभी तो तुम्हारे पास अकड़ है, धौंस है कि चले जाएंगे। देखो उस देश में भी हमारे लिए जगह हो सकती है, चले जाएंगे। परेशान ना करना, पापा के यहां चली जाऊंगी, पापा का कोई घर ही नहीं है। ये पोल अगर खुल गई तो अकड़ कैसे दिखाओगी? कोई पापा नहीं है उधर तुम्हारा, जो है सो इधर है, इधर तुम्हें डर लगता है, डरे रहो। जो तुम्हारे सुंदरतम सपने हैं
वो साकार हो भी गए, ईमानदारी से बताओ संतुष्ट हो जाओगे? और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कभी तुम्हारा कोई स्वप्न साकार हुआ नहीं है, कभी कभार तो तुम्हारी चाहतें पूरी भी हुई हैं, उनसे खिल गए तुम, उनसे भर गए तुम। उधर माने क्या, उधर माने दिवा स्वप्न, उधर माने चाहतों का, भविष्य का, हसरतों का संसार, उधर माने कल्पना। इन कल्पनाओं ने कोई पूर्ति दी है तुम्हें आज तक? दी है, नहीं दी है तो अब कैसे दे देंगी? जो आज तक नहीं हुआ क्यों उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी के चंद बचे हुए सालों में हो जाएगा? अगढ़ता का ठेका लिखवा के आए हो, एक राह होती है सिर्फ, अब वो सच्ची राह होती है, उसके अलावा बाकी सब कुछ भटकाव है, जहां मात्र दुख है, प्रवंचना है। तुम न जानते होते उस सच्ची राह को तो तुम्हें दिखाता सुझाता, जानते सब हो, डरते हो, सत्य से डरते हो, और डर का सत्य के अलावा कोई इलाज नहीं। अब तुम्हें क्या इलाज दूं? बोलो, जिससे तुम्हारी दूरी है, दूरी का उसके अलावा कोई समाधान नहीं, अब तुम्हें क्या इलाज दूं? याद नहीं है वो, कि सुना है मंजिल करीब आ गई है मुझे फिर घुमा दो। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इस राह में चल रहे हैं, मतलब जिन लोगों को नाम का, नाम लेने का स्वाद है या वो है, तो वो सब भी चतुराई है या वो ऑलरेडी गेट कर चुके हैं? क्या है, कोई राह है ही नहीं ना, राह तो बहाना है मंजिल से दूर रहने का। राह का मतलब ही यही है कि मंजिल नहीं, राह का अर्थ ही यही है कि मंजिल दूर। राह की हर बात और क्या है, एक आंतरिक साजिश है अपने आप को ये सिद्ध करने की कि अभी दूरी है, दूरी भी है और हमारी नेक नियति भी है, हम राह पर हैं, इरादे पाक हैं हमारे। देखो, ये मत कहना कि हम चाहते नहीं सत्य को, राह पर है। राह बड़ी खतरनाक बात होती है, तुम्हें यह गुमान रहने देती है कि तुम चल रहे हो, कि तुम्हारे इरादे साफ हैं, कि तुम्हें सत्य की अभीप्सा है, और साथ ही साथ तुम्हें सत्य तक पहुंचने भी नहीं देती, क्योंकि हो तो तुम राह पर ही ना। राह का अर्थ ही यही है कि मंजिल नहीं। तो ये सारी बातें कि अभी तो हम जा रहे हैं, अभी तो चले हैं, कि अभी तो पहुंचने वाले हैं,
कि अभी तो प्रगति कर रहे हैं, कि अभी दूरी कम हो रही है, कुछ नहीं है, ढकोसला। और ढकोसला किसके प्रति? मूर्ख किसको बनाओगे? सत्य को। जब भी तुमने मूर्ख बनाया है तो किसको बनाया है? तुम्हारे कर्मों का फल कोई सत्य भुगतता है? मन की करनी, मन की भरनी। उस हिसाब से तो अगर सत्य दिख रहा है तो भी एक दूरी ही है। बिल्कुल दूरी है। दिखना विखना क्या होता है? तो सत्य ही है या तो नहीं, या तो है या तो नहीं, नहीं तो छल। इधर उधर की जितनी बातें करोगे अपने आप को ही निपटा रहे हो। मन एव मनुष्याणां बंध मोक्षयोः कारणम्। तुम हो किस गुमान में कि तुम किसी और को छलते हो? तुम ये सब जो चतुराइयां बताते हो, ये किसको, तुम्हें क्या लग रहा है? इस पूरी दुनिया को बड़ी फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, रोज जाते हैं। कौन याद रखने वाला है? अभी यहां से अचानक लुप्त हो जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है भूचाल आ जाएगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे अलावा। तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मात्र तुम्हें फर्क पड़ रहा है। तुम ये सब जो होशियारियां कर रहे हो इससे सिर्फ अपना जीवन नरक कर रहे हो और किसी का नहीं। इतने लोगों से मिला हूं, कोई ऐसा नहीं पाया जो स्वयं अपने दुख का कारण न हो। और ऐसा भी कोई नहीं पाया जो अपनी मुक्ति का कारण स्वयं हो। दूसरी बात नहीं समझ। तुम मुक्ति की तलाश नहीं कर सकते। तुम इतना ही कर सकते हो कि दुख से आसक्ति छोड़ दो। मुक्ति की तलाश तो दुख की तलाश बन जाती है। जब कहा जाता है कि मनुष्य, अमृत बिंदु उपनिषद कहता है, मनुष्य अपने बंधन और मोक्ष दोनों का कारण स्वयं है, बंधन और मोक्ष को एक ही आयाम पे नहीं लेना चाहिए। बंधन का कारण वो ऐसे है कि मनुष्य है, बंधन का कारण वो ऐसे है कि बंधन कायम रखना चाहता है, पर जैसे वो बंधन कायम रखना चाहता है ठीक वैसे ही यदि वह मोक्ष चाहने लग जाए तो उसे मोक्ष नहीं मिल जाएगा। बंधन चाहने से बंधन मिल जाता है, मोक्ष चाहने से मोक्ष नहीं मिलता। अलग अलग आयाम है।
फिर कहता हूँ, बंधन चाहोगे बंधन मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो भी बंधन ही मिलेगा। चाह है इसका मतलब ही मोक्ष नहीं। बढ़िया। लेकिन इस सूत्र को गलत समझ लिया जाता है, समझ ये लिया जाता है कि मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी और बंधन चाहोगे बंधन मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बंधन चाहोगे तो अनिवार्यतः बंधन मिलेगा, पर मुक्ति चाहोगे तो भी बंधन मिलेगा। बंधन मिलता है न बंधन चाहने से न मुक्ति चाहने से। जिसने बंधन और मुक्ति दोनों को चाहना छोड़ दिया सो हुआ मुक्त। वास्तव में बंधन चाहता कौन है? आप तो सदा मुक्ति ही चाहते हैं, और मुक्ति चाहते चाहते पाते ये हैं कि बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या यही हमारी कहानी नहीं है? सतही तौर पर अपनी ओर से अपनी नियत से तो हम जो कुछ भी करते हैं मुक्ति की दिशा में ही करते हैं, और मुक्ति की दिशा चलते चलते पहुंच कहाँ जाते हैं? एक विशाल कारावास में। फिर अचंभा होता है कि जिन्होंने राह बताई थी उन्होंने तो कहा था कि इससे मुक्ति के देश पहुंचोगे, ये कहाँ पहुंच गए? यहाँ तो जकड़न ही जकड़न है। ऐसे ही होगा, जिस भी राह चलोगे बंधन की ओर ही जाओगे। सत्य चलने में नहीं ठहरने में है। चल चल के कहीं नहीं पहुंचने वाले। हालांकि शायरों ने, कवियों ने, गुरुओं ने चलने को बड़ा महिमा मंडित किया है, चलने की शान में बड़े कसीदे कहे गए हैं। साधनों का भी बहुत महिमा मंडन हुआ है। चलने को बड़ा गौरव दिया गया है कि चलते रहो, कुछ करो। और मैं तुमसे कह रहा हूं जब भी चलोगे तुम्हारी राह, तुम्हारी चाल तुम्हें गर्त में ही ले जाएगी। चल तो रहे ही हो, चलने में कोई कसर छोड़ी है क्या? जरा ठहर के भी तो देखो। और इस ठहरने में बड़ी गति है। इस ठहरने की कल्पना मत करना। इसकी कल्पना करोगे तुम्हें लगेगा कि इस ठहरने का मतलब हुआ निष्क्रिय हो जाना, इस ठहरने का मतलब हुआ मुर्दा हो जाना। ये ठहरना कोई और बात है। इस ठहरने में नृत्य है, इस ठहरने में बड़ी ऊर्जा है। इस ठहराव के बाद फिर गति होती है, उस गति की बात अलग है। दुख का निवारण बड़ी हास्यास्पद बात है। माया को काटना बड़ी व्यर्थ कोशिश है। दुख तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे साथ है नहीं। और फिर तुम कहते हो कि उसका निवारण करो। तो फिर तो निवारण दुख का नहीं तुम्हारा ही करना पड़ेगा। कोई मिल जाए तो करवा ले। हाँ
इतना ही क्या है। यारी का कारण क्या है, मतलब क्या डर और कुछ भी नहीं। किसका डर? अपने ना होने का। मैं जैसा हूँ, जैसा जीवन चल रहा है, जैसा अपने आपको जाना है, जिसको संसार कहता हूँ, ये न रहेगा। जिन ढर्रों से आसक्ति हो गई है वो मिट जाएंगे, यही डर है, बहुत छोटा सा। बार बार चोट खा रहे हैं, दर्द पा रहे हैं, लेकिन वो डर इतना भयावह है कि ये सब चीज़ें उसे आत्मसात कर ले रहे हैं, उससे नहीं मिलना चाह रहे थे। क्योंकि जो प्राथमिक इच्छा है वो तो बने रहने की है ना। आप जो कुछ भी चाहते हो किसके लिए चाहते हो? अपने लिए। मतलब प्रथमतया तो स्वयं बने रहना चाहते हो ना। मन कहता है कि सब कुछ मिल गया पर तुम ही ना रहे तो क्या मिला? और तुम कौन हो? तुम उन्हीं धर्मों का, आदतों का, संस्कारों का एक पिंड भर तो हो। एक उपद्रवी संकलन, एक ऐसी किताब जिसमें एक पन्ना इंजीनियरिंग का, एक गणित का, एक मछली मारने का, एक खाना बनाने का, एक अध्यात्म का, ऐसा संकलन है। हम कहीं से कुछ आया है, कहीं से कुछ आया है और इकट्ठा हो गया है, और ये जो इकट्ठा हो गया इसे हम कहते हैं ये हम है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मैल में होता है ऐसा, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, परत दर परत वो इकट्ठा होती गई, होती गई। जैसे दांतों में मल फंसा होता है, कुछ खाया वो फंसा, फिर कभी कुछ खाया वो फंसा उसके ऊपर, परत दर परत चढ़ती गई। और सालों सालों ऐसा होता रहे तो आपके दांत का हिस्सा ही बन जाता है, भद्दा हिस्सा पर हिस्सा। ऐसे हम हैं, कुछ कहीं से सुना, कुछ कहीं से पाया, और वो सब इकट्ठा हो गया है। और जो इकट्ठा हुआ है उसमें आपस में कोई लय नहीं, कोई संतुलन नहीं, कोई संधि नहीं। क के ऊपर ब चढ़ा हुआ है और ब के ऊपर छत्रज्ञा, क्यों चढ़े हैं कोई जानता नहीं। विरोधाभास पे विरोधाभास, पर सब इकट्ठा हो गया है, और इकट्ठा होकर के वो मैं बन गया है। ये जो मैं है ये इतना बेढंगा, बेमेल है, इतना कुरूप है कि इसे अच्छे से पता है कि सत्य इसे मिटा देगा। इसे अपनी विवशता, अपनी कुरूपता का पूरा एहसास है, इसी कारण डरता है, बस इसी कारण डरता है। इसे पता है कि मिट जाएगा, इसे अच्छे से पता है कि मिटना इसकी नियति है। अब यदि सद्बुद्धि हो तो आप यह भी कह सकते हो कि मिटना जिसकी नियति ही हो, बचा के क्या, उसे मिट ही जाने दो ना, बचा के कब तक रख लोगे? क्या कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए, अम्मा कब तक खैर मनाए।
जिसकी नियति है नष्ट हो जाना, उसके नष्ट होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? उसे फना होने दो। पर संभाले बैठे हो जैसे कोई मुंह का मुहासा, अब मुहासे से मुंह हो गया है तो उसको संभाल रहे हो, कब तक संभालोगे? मिटना उसकी नियति है, जाने दो, कब का पक चुका है। इतना ही हम देख लें कि जीवन हमारा अनेक तरह की विषमताओं से भरा हुआ है। विषम समझते हैं, डिफरेंट, ऑडनेस, जहां कोई संयोजन ना हो, जहां कोई तारतम्य ना हो, जहां कोई लयबद्धता ना हो, जहां उबड़ खाबड़ हो सब कुछ, उसे विषमता कहते हैं। विषमता से नहीं भरा है हमारा जीवन, सब कुछ एक मधुर प्रवाह में है। क्या कदम कदम पे तो ठोकर खाते हैं जीवन में। यदि हमारे पांच लोग हैं तो पांच आपस में भिड़े हुए हैं और फिर हमसे भी भिड़े हुए हैं। मां प्रेमिका को नहीं सुहाती, बॉस बाप को नहीं सुहाता, ये और क्या चल रहा है। यदि इंटीग्रिटी होती, यदि एकत्व होता जीवन में, तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ मौजूद है वो परस्पर विरोधी कैसे होता? गुलाब का एक पौधा होता है, उसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं, पर क्या कांटे फूल को छेद रहे होते हैं? कांटे और फूल एक पारस्परिक सौहार्द में होते हैं, अगल बगल होंगे लेकिन मुठभेड़ नहीं होगी उनमें। और हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन में जो कुछ है वो आपस में ही लड़ा हुआ है, और बाहरी व्यक्तियों की बात नहीं है, मन को ही देख लो। एक विचार उठता है, दूसरा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। एक राह चलते हो, चार कदम भी नहीं जा पाए, पांच अन्य राहें फूटती हैं। कभी एक मना हो पाते हो? कभी एकाग्र हो पाते हो? ये वही है। पहले ऐसा होता था रेडियो में कि आपने एक चैनल लगाया है, वहां दो तीन बजने लग जाते थे। ट्यूनिंग वाला जब होता, ट्यूनिंग ठीक से नहीं होती थी। अब नहीं होता, एफएम का जमाना वैसे हम अब वैसे हम हैं, एक साथ चार पांच चैनल बज रहे होते हैं। अब उसमें से भोंडा स्वर निकलता है, संगीत की जगह कर्कश ध्वनियां। जगत का स्वभाव है सौंदर्य, जगत का स्वभाव है संगीतमय प्रवाह। आप उससे यदि विलग हो तो आपको स्वयं ही पता है कि आपको मिटना पड़ेगा, और इसीलिए डरे डरे हो, बस इतनी सी बात। जो सच्चा होता है उसे मिटने से क्या डर? वो डरता इसलिए नहीं है क्योंकि जानता है कि सच्चाई मिटेगी ही नहीं, झोंक दो जहां झोंकना हो।
और जहाँ झूठ है वो डरेगा ही डरेगा, क्योंकि झूठ का अर्थ ही यही है कि तुम्हें हक ही नहीं है होने का। हम ऐसे ही हैं जिन्हें हक ही नहीं है होने का, रिश्ते हमारे ऐसे हैं जिन्हें होना नहीं चाहिए था, आजीविका हमारी ऐसी है जो होनी नहीं चाहिए, ख्यालात हमारे ऐसे हैं जो होने नहीं चाहिए। तो डरोगे नहीं तो क्या करोगे? जब सही होते हो तो उसका एक बड़ा प्रामाणिक लक्षण होता है, तुम डरते नहीं। और वास्तव में उसके अतिरिक्त और कोई लक्षण है नहीं। आनंद वगैरह सब पीछे की बातें हैं। भय से, मुक्ति से बड़ा आनंद कुछ और होता नहीं। मुझसे पूछोगे तो मैं कह दूंगा कि आनंद की परिभाषा ही यही रख दो, जहां भय नहीं वहां मन की जो शांत निस्तब्ध स्थिति है उसे आनंद कहते हैं। आनंद कोई विशेष स्थिति है ही नहीं मन की, भय का अभाव आनंद है। प्रेम भी वही है। वही है, सब कुछ वही है। वास्तव में उपनिषदों के ऋषियों ने सर्वप्रथम ही स्पष्ट कर दिया था कि जो पूरी आध्यात्मिकता है, ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं, उसका प्रयोजन बस यही है कि त्रय ताप से आपको मुक्ति दिलाई जा सके। तीन प्रकार का ताप है, जलन है, कष्ट है, और मैं तीनों को देखता हूं तो उसमें मुझे भय ही दिखाई देता है। तो समस्त आध्यात्मिकता का प्रयोजन बस एक है कि आप डरे ना। डरने के अलावा हमारा और कोई नरक नहीं है। और डरने के अलावा हमारा कोई पाप नहीं। साफ साफ समझ लीजिएगा कि डर के समर्थन में आपने जितनी भी कल्पनाएं रची हैं वो सब झूठी हैं। डर के समर्थन में आपके पास बड़ी भयानक कल्पनाएं हैं। आप कहते हो कि यदि डरेंगे नहीं तो इस प्रकार से हमारा अनिष्ट हो जाएगा, सब झूठा है। झूठा इसलिए नहीं है कि वो अनिष्ट तुम्हारा होगा नहीं, वो अनिष्ट हो सकता है, हो भी जाए। झूठा इसलिए है क्योंकि तुमने ये मान रखा है कि तुम वो अनिष्ट झेल नहीं पाओगे, और ये झूठ है। तुम्हारी सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है कि तुम हर प्रकार का नुकसान, हर अनिष्ट, हर अनर्थ झेल जाओगे। कितना बुरा क्या हो जाएगा तुम्हें? ये हक किसने दिया है कि तुम कहो कि कुछ इतना बुरा हो सकता है कि मुझे तोड़ दे? हो सकता है बुरा हो, पर इतना बुरा कुछ होता ही नहीं है कि तुम्हें तोड़ दे।
टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, ये सब मिथ्यारंभण है। सोद्देश्य कल्पना है। बड़ी उद्देश्यपूर्ण कल्पना है ये। इस कल्पना का उद्देश्य ही यही है कि इतनी भयानक तस्वीर खींचो कि वो तुम्हें ही डरा दे। इतनी डरावनी कहानी गढ़ो कि तुम ही खौफजदा हो जाओ, अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा। हर डर के पीछे कहानी तो होती ही है, वो कहानी तुम ही ने तो सुनाई है स्वयं को। डर यही है ना कि भविष्य में कुछ बुरा होगा। हर डर का वास्ता भविष्य से होता है। और दूसरे के संदर्भ में मतलब वो घटना अभी घटी नहीं, तुम्हारे साथ तो नहीं घटी, कहीं और तुमने देखी हो तो देखी हो, तुम उससे गुजरे नहीं, तुम्हें कैसे पता कि उससे गुजरोगे तो टूट जाओगे, तुम्हें कैसे पता? तो जैसे भी आपने कहा कि दुख का निवारण दुख खुद का कल्पित किया हुआ है, तो भय का निवारण भी वही बात होगा। भय हमने गढ़ा है और गढ़ के पूरी ताकत से पकड़ा है। भय को पकड़ के हम रह पाते हैं। भय बड़ा संबल है, भय आधार है हमारा। और फिर हम कहते हैं भय से मुक्ति चाहिए। अच्छा, उसको ही एम मना के और भय वो जमीन है जिस पर बैठे हो, उससे मुक्ति चाहिए तुम्हें, तुम बचोगे। मैं को बनाने के लिए जो चीज को पकड़ रखे हैं वही सारी चीजें, और पकड़ने का अर्थ है भय। मैं अपने होने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ता जरूर है, और जिस चीज से जितना आसक्त होता है उसको उतनी जोर से पकड़ता है, और जोर से पकड़ने का अर्थ ही भय है। छिन जाएगा भय। हम भय हैं, इसीलिए अब तो यही तरीका ठीक है। इधर के अफसाने तो तुम्हें बहुत सुनाए, वो तुम्हें रुचते ही नहीं, तुम आते ही नहीं। अब मैं कहता हूं उधर जाओ, तुम बड़ी उम्मीद से आते हो कि यहां सत्य की चर्चा होगी। मैं कहता हूं कुछ नहीं, तुम तो उधर जाओ, सत्य की चर्चा तो बहुत हो चुकी, क्या है जो तुमसे कहूं, क्या है जो नहीं कह दिया। तुम्हें जिस देश का बड़ा आसरा है जो हो आओ वहां, जिस हसरत में मरे जा रहे हो जरा पूरी कर लो फिर देखो। और क्या पता तुम्हारे
लिए अस्तित्व अपवाद खड़ा कर दे, क्या पता तुम्हें वही अमृत मिल जाए। जाओ। जाओगे नहीं, क्योंकि अच्छे से पता है कि जब भी गए हो लतियाए गए। लौट लौट आना इधर ही है। दरवाजा अंततः सत्य का ही, उधर से ठुकराए भी जाते हो, दुर्दुराए भी जाते हो, आते यही हो, लेकिन फिर भी लिप्सा ऐसी कि लार टपकाते भागते हो। किसी को बोलते हैं ना श्रद्धाहीन चित्त, एक बेवफा मन निभा नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, इधर से उधर भटकेगा। अपने घर नहीं आएगा, 10 और दरवाजों में दस्तक देता फिरेगा। अपने घर बस मत आना, 10 जगह खटखटाना। वहां पाते क्या हो तुम जानते हो, क्या पाते हो आंखों में लिखा है क्या पाते हो, पर फिर भी विचित्र बात है। अपने घर नहीं आते हो। और जब बुलाया जाए जोर दे के तो कहते हो नहीं, अभी 10 जगह प्रयोग किया था, अभी 10 घर और बाकी हैं, अभी जरा वहां भी तो आजमा के देख लें। जाओ आजमाओ। क्या पता कुछ नया मिल जाए।